नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हुराशी। आइए खबरों की शुरुआत करें। झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी के निर्देशन पर पूरे अनुसार के साथ झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को चंदौरी, तीसरी लक्ष्मीपुर, विभिन्न पंचायतों में 144 नियमों के धारा को लागू करते हुए काला बिल्ला लगाकर झारखंड सरकार पर पुरजोर विरोध किया गया। और बताया गया कि कुछ दिन पूर्व बरही में दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा रूपेश पांडे को मॉब लिंचिंग कर मार दिया गया था, लेकिन 10 दिनों बीत जाने के बाद भी अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं हुआ है। इसके विरुद्ध में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हेमंत सोरेन हाय हाय, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद का नारा लगाया गया और रूपेश पांडे हत्यारों को गिरफ्तार कर फांसी देने की सजा की मांग की गई। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, चंदौरी मंडल अध्यक्ष रविंद्र पंडित, रामचंद्र यादव, कालेश्वर सिंह, विजय यादव, गोविंद साव, सुनील साव, कपिल यादव आदि कई लोग उपस्थित थे। आज हम लोग झारखंड सरकार के दमनकारी नीति के खिलाफ रुपेश पांडे का जो हत्या हुआ है मॉब लिंचिंग के तहत, और 10 दिन बीत गया है लेकिन आज तक उनके हत्यारों का गिरफ्तारी नहीं हुआ, इसी के विरुद्ध में हम लोग विधि संगत जो है सो भारतीय जनता पार्टी के चंदौरी मंडल के कार्यकर्ताओं ने रुपेश पांडे के हत्यारों को मांग करते हैं और अविलंब जो है सो उनकी गिरफ्तारी करे। और इसी के समक्ष हम लोग आज चार हो जो कि 144 धारा लगा हुआ उनका पालन करते हुए हम लोग आज काला बिल्ला लगाकर और झारखंड सरकार के इस मतलब फैसले के विरुद्ध हम लोग प्रदर्शन करते हैं और यह मांग करते हैं राज्यपाल से कि अगर हेमंत सोरेन से सत्ता नहीं संभल रही है तो वह अविलंब इस्तीफा दें। जय हिंद, जय भारत। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।